वेलकम टू वी प्लस यू अकेडमी माई नेम इज आशीष कर सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ़ यू पी पी एस सी एग्ज़ाम टूडे वी विल डिस्कसिंग द सेकेंड पेपर ऑफ़ द यू पी पी एस सी एग्ज़ाम ये एग्जाम हुआ था हमारा ट्वेंटी नाइन्थ मई को बेसिकली कुछ क्वेश्चन हैं जो सबको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल आंसर गिवन है मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा सो वी विल डिस्कस ओनली दोज क्वेश्चन नाउ कुछ लोगों को डाउट्स हैं कि ये इसका आंसर सही भी है या नहीं है तो मैं अपने जो प्रॉपर एक्सप्लेशंस हैं जो आंसर हम पे अराइव होगा हम मैं उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा यदि आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन द दिस यूट्यूब दिस यूट्यूब वीडियो आई विल डेफिनेटली इंटरटेन डैट कमेंट और ऑल्सो वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर जनरल स्टडी पेपर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली टेक्निकल पेपर

these are the general knowledge question i am going to skip this question in this particular page you can see that these all questions can be easily solved if any of the question is creating some problems to you some problem or some uh, doubt in your mind then you can uh, comment on the video i will reply on that uh, comment so लेट्स ओनली मूव टू दो क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं कुछ डाउट्स हैं जिसके कारण उसका आंसर जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने डिफरेंट दिया है फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन आई हैव दिस फोर्टी एट नंबर क्वेश्चन इसमें बहुत लोगों को डाउट है इसमें क्या पूछा गया है विच अमंगस द बी एंड सीओडी ऑफ द ग्लूकोज वाटर इज ग्रेटर बी और सी यदि आप देखते हो तो बी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है एंड सी में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड वट इज ग्लूकोज इफ वी राइट अ फॉर्मूला ग्लूकोज इट इज सिक्स सिक्स सी सिक्स एस ट्वेल्व एंड ओ सिक्स इफ वी कैलकुलेट बी ओडी ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड इफ वी कैलकुलेट सी ओ डी देन दिस बोथ गोइंग गोइंग टू बी कम टू बी सेम ये दोनों ही हमारी वैल्यूज सेम आएंगी क्यों आएंगी आप ट्राई चेक करके देख लेते हैं हम इफ आई राइट सी सिक्स सी सिक्स एच टिक्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स सी ओ टू प्लस एच टू दिस इज द केमिकल इक्वेशन नाउ इफ आई बैलेंस दिस हेयर वी हैव सिक्स कार्बन दैट मीन्स हेयर इज ऑल्सो नीड टू बी ए सिक्स कार्बन हेयर वी हैव ट्वेल्व हाइड्रोजन सो इफ वी मल्टीप्लाई इट बाई सिक्स गिव्स अस द्वेल्व हाइड्रोजन total oxygen at the right hand side will be 12 plus 6 that is 18 and here is only we have 6 plus 2 8 so if we subtract 18 minus 6 we get 12 and here we have 6 oxygen also so this is the overall balanced equation now if we solve or if we solve this formula c6h12o6 we will get a molecular mass of 192 milligram वन नाइन्टी टू मिलीग्राम और हेयर वी गेट थर्टी टू टाइम्स ऑफ सिक्स सॉरी हेयर वी गेट हेयर वी गेट वन एटी मिलीग्राम दिस फॉर्मूला गिवस वन एटी मिलीग्राम पर लीटर और मिलीग्राम यू कैन से एंड दिस इज अवर वन नाइन्टी टू मिलीग्राम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ डैट पर्टिकुलर ग्लूकोज तो यदि इसको सोल्व करते हैं तो हमारी दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी इसको सोल्व करने से दोनों ही वैल्यू सेम आएगी तो ये डाउट नहीं होना चाहिए जनरली सी हमारी ग्रेटर होती है बी से बट इन दिस केस सिंस ग्लूकोज इज गिवन ग्लूकोज आपको गिवन है तो उस केस में आपकी ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी सो आई थिंक मैं कुछ ये सोल्व कर पाया हूँ आपका डाउट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इसमें भी बहुत लोगों को डाउट है इसमें आपको कंसिडर क्या करना था इसमें डायरेक्टली आपको बताना है मैक्सिमम डिजायरेबल लिमिट ऑफ आयरन एंड फ्लोराइड आपको कोज फॉर रिजेक्शन के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है ओनली आपसे पूछा गया है डिजायरेबल लिमिट बता दो आयरन की और फ्लोराइड की सो so, इसकी वैल्यू एज ऑलरेडी नो आयरन की वैल्यू जो होती है जीरो पॉइंट थ्री मिलीग्राम पर लीटर होती है एंड कोज फॉर रिजेक्शन होता है वन मिलीग्राम पर लीटर तो वन मिलीग्राम पर लीटर तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है आयरन के लिए तो यदि बात करें फ्लोराइड की फ्लोराइड के लिए होती है वन मिलीग्राम पर लीटर वन मिलीग्राम पर लीटर एंड कोच फॉर रिजेक्शन इज वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर तो कन्फ्यूजन क्या थी कि जीरो पॉइंट थ्री और वन वन मिलीग्राम पर लीटर ऑप्शन है या फिर जीरो पॉइंट थ्री और वन पॉइंट फाइव मिलीग्राम पर लीटर ऑप्शन है सो so, आपसे जबकि सिंपली पूछा गया डिजायरेबल लिमिट पूछी गई है आपसे नहीं पूछा गया हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो आप सिंपली इसका आंसर डी देंगे ना कि सी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव वी हैव गिवन अ कैम्बर कैम्बर दिया है आपको रोड का डेट इज वन इन फोर्टी एट तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रूलिंग ग्रेडियंट यदि आप डायरेक्ट यदि आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं गेट के या फिर ई के आपको वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा जो यदि आपको रूलिंग ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो होता है इट इज़ टू टाइम ऑफ कैम्बर इट इज़ ट्वाइस ऑफ कैम्बर सो इफ यू सोल दिस टू टाइम्स ऑफ कैम्बर है आपका वन इन फोर्टी एट वन इन फोर्टी एट दैन दिस वैल्यू विल बी वन इन ट्वेंटी फोर वन इन ट्वेंटी फोर सो वी कैन डायरेक्टली राइट वन इन ट्वेंटी फोर सम पीपल वट आर दे डूइंग वो आप आई एस कोड देख रहे हैं आई एस कोड में आपको इसकी वैल्यू वन इन ट्वेंटी भी मिल सकती है बट एक्चुअली इसमें कहीं मैंशन नहीं है कि भाई आई एस कोड से ही आपको ये वैल्यू बतानी है यदि आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट अवेलेबल है तो आप आई एस कोड को नहीं देखेंगे बल्कि फार्मूला यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से आप कंक्लूजन पर अराइव करेंगे सो पॉसिबल आंसर इज इट्स सी ऑप्शन ओनली नाउ मूविंग टू द फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है मेनली आप यदि आई ए एस मास्टरी की देखेंगे उसमें इसका आंसर जो दिया है वो दिया है आपको इंसनरेशन इंसनरेशन ऑप्शन गिवन है फॉर दी प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल बट ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि यदि प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट इंसनरेशन करेंगे इंसरीशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग इन द प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन यदि ऑक्सीजन की प्रजेंस में बर्न करेंगे तो आपका जो स्मोक है या फिर और धुआं है पर्टिकुलर मैटर है उसका अमिशन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है दिस इज आवर एक्जोथर्मिक रिएक्शन दिस इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन बट इन केस ऑफ पायरोलिसिस इफ वी डू द ऑफ प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस फर्स्ट थिंग इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें आपको हीट नहीं देनी होती या हीट रिलीज नहीं होती पर्टिकुलरली तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ऑल्सो ये आपकी फ्यूल कॉस्ट को बचाता है फ्यूल कॉस्ट को बचाता है क्योंकि ये एंड में आपको क्या दे देता है चारकोल प्रोड्यूस करता है आफ्टर बर्निंग इट गिव चारकोल बर्निंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है चारकोल क्रिएट करता है तो चारकोल फर्दर यूटिलाइज हो सकता है इंडस्ट्रीज में तो हम जो यूजली करते हैं तो इसका पायरोलिसिस करते हैं ना कि हम इसका इंस्टरेशन करते हैं आई एस मास्टर ने इसका आंसर इंस्टिनरेशन दिया है तो इसीलिए इसको मैंने क्लैरिफाई किया है तो इट्स आंसर शुड बी सी नोट नोट बी b option moving to the next Question question number 61 इसमें भी बहुत लोगों को doubt है 61 mein में mainly two options yahan यहाँ पे mein में do दो mein में hai हैं यदि आप देखोगे आपको बोला गया है इफ द इम्पेलर ऑफ ए पंप रिसीव लिक्विड ऑन द बोथ साइड ऑफ पम्प मतलब क्या इस बात का ये आपके पास पम्प है रेसी प्रोकेटिंग जिसे बोलते हैं हम If this is your reciprocating pump, now this is something your impeller, this is your shaft. Ignore the diagram, please. A thoda rough hand same around. Let me use line 2. तो यदि आप देखोगे ये एक साइड ऑफ ये वन साइड है सेक्शन की एंड दिस इज द सेकंड साइड ऑफ सेक्शन तो जब डबल स्टेज जब डबल स्टेज सेक्शन हम करते हैं जब डबल स्टेज करते हैं दिस इज फर्स्ट साइड दिस इज सेकंड साइड हेयर वी हैव वाल्व्स यहाँ पे भी वाल्व रहती है नीचे भी वाल्व रहती है हेयर ऑल्सो वी हैव वाल्व सो जब भी ये एक 90 डिग्री रोटेशन लेता है या 180 डिग्री रोटेशन लेता है तो उससे सक्शन क्रिएट होता है एक साइड के अंदर तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका सक्शन पंप बोलेंगे इसको डबल सक्शन पंप ना कि डबल स्टेज पंप स्टेज पंप इसलिए नहीं बोलेंगे जैसे आपके पास मल्टी स्टेज पंप्स होते हैं स्टेज का मतलब होता है आपने एक सेटिंग की है फिर सेकेंड सेटिंग की है टू आइदर इंक्रीज द हेड और इंक्रीज द डिस्चार्ज वो डिपेंड करता है आप सीरीज में आप यूज कर रहे हैं पंप को या फिर आप डायरेक्टली पैरल में अप्लाई कर दे रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डबल सेक्शन पंप इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका डबल स्टेज पंप होगा ही नहीं सो so, ये भी एक डिस्प्यूट का क्वेश्चन था आई होप ये आपको भी समझ में आया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन एक्चुअली इसमें कोई भी आंसर गिवन ही नहीं है करेक्ट आंसर गिवन ही नहीं है इसमें बोला गया है आपको लॉस टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन ए ट्रैफिक सिग्न सिग्नल अप्रोच इज नोट टू बी थ्री सेकेंड लोस्ट टाइम गिवन है आपको थ्री सेकेंड दैन एक्चुअल ग्रीन टाइम आपको गिवन है एक्चुअल ग्रीन टाइम डेट विल बी कैपिटल टी जी एक्चुअल ग्रीन टाइम इज ट्वेंटी फाइव सेकेंड एंड एम्बर टाइम गिवन है थ्री सेकेंड डेट इज टी ए यदि हम बोलें इट विल भी थ्री सेकेंड अगेन देन यू हैव बीन आस्ट अ इफेक्टिव ग्रीन टाइम तो आपको पता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम का फॉर्मूला टी जी टी जी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री माइनस थ्री डैट इज कैपिटल टी जी प्लस टी ए माइनस टी एल दिस विल गिव यू ट्वेंटी फाइव सेकेंड ओनली बट नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग हेयर सो दिस इज द प्रोबेबली द रोंग क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं दिए हैं तो ये क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा इसके लिए टेंशन नहीं लेने ये क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा इजिली सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो है हम वी विल सी क्वेश्चन नाउ मूविंग टू द सेवेंटी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सेवेंटी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इन द सेवेंटी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हेयर वी हैव गिवन इफ वी नोट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो वी नोट आपको क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो गिवन है देन अकोर्डिंग टू द कैनेडी इट्स सिल ट्रांसपोर्टिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू तो सिल्ट पांसपोर्टिंग पावर जो है इसकी प्रोपोर्शनल टू वी नोट की पावर फाइव बाई टू होगा ना कि वी नोट की पावर थ्री बाई टू इसमें भी कुछ लोगों को डाउट था तो ये आप यदि स्टैंडर्ड बुक से भी रेफर करोगे तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा इट्स वैल्यू इज फाइव बाई टू नोट थ्री बाय टू आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ऑल क्वेश्चन कैन बी सोल्व थर्ड नंबर क्वेश्चन इसमें भी बहुत डाउट है लोगों को नाइन्टी थर्ड नंबर क्वेश्चन में इसमें वो क्या बोला है आपको द डिवाइस विच कैन बी यूज टू कंट्रोल द गैसेज एज वेल एज पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इन द इंडस्ट्रियल एमिशन इज नोन एज आपसे बोला गया है जो गैसेस और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स दोनों को कंट्रोल करे उसमें इंडस्ट्रियल एमिशन में उसको क्या बोलते हैं तो उसको बेसिकली यदि वन बाय वन हम सब ऑप्शन को देखें तो आपके पास है स्प्रे टावर स्प्रे टावर क्या होता है स्प्रे टावर में ऊपर आपके स्प्रे यहाँ पर आपके टावर के ऊपर स्प्रे टावर्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं दोनों ही पर्टिकुलर गैसेस एज वेल एज पर्टिकुलर मैटर दोनों को ही एब्जॉर्व कर जाते हैं दोनों को ही एब्जॉर्व कर जाते हैं या फिर दोनों को ही रिमूव कर देते हैं बट इन केस ऑफ डायनामिक प्रेसिविटेटर्स दे आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलेटर मैट पर्टिकुलेट मैटर एंड ऑल्सो फैब्रिक फिल्टर एंड द साइक्लोन प्रेसिपिटेटर दे दिस थ्री वर्क फॉर दी पर्टिकुलेट मैटर ओनली पर्टिकुलेट मैटर नॉट ऑफ गैसियस करेक्टर बट ऑफ सोलिड करैक्टर सोलिड करैक्टर और दिस वर्क्स बेस्ट इन द गैसियस करेक्टर गैसियस करेक्टर ये भी काम करते हैं लेकिन यदि कोई पूछे तो डायरेक्टली हमें स्प्रे टावर बताना है क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही यही है ये भी काम करते हैं वैसे लेकिन

एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम थी पेपर में कुछ लोगों ने सोल्व नहीं किया ये तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेटर आपको गिवन नहीं था तो उसके कारण बहुत क्वेश्चन है बहुत लोगों ने, बोगों ने attempt नहीं किया जबकि अटैम्प्ट हो सकता था हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखेंगे इसकी हमें गिवन है बी ओ डी फाइव बी ओ डी फाइव की वैल्यू आपको गिवन है डैट इज़ वन ट्वेंटी सेवन मिलीग्राम वन ट्वेंटी सेवन मिलीग्राम पर लीटर एंड यू हैव टू यू हैव बीन आज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी ओ डी एट बी ओ डी एट की वैल्यू आपको इसमें बतानी है सो सिंपली वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला हेयर इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला हेयर नाव वन ट्वेंटी सेवन इज गिवन एज एल नोट वन माइनस ई की माइनस यू हैव गिवन के वैल्यू जीरो पॉइंट टू थ्री एंड टी वैल्यू फाइव डेज दिस इज इट एंड बी ओ डी एट विल बी इक्वल्स टू एल नोट देट इज अल्टीमेट बी ओडी वन माइनस ई की माइनस जीरो पॉइंट टू थ्री ई की माइनस जीरो पॉइंट टू थ्री इन टू एट इंटू एट सो यहाँ से यदि एल नोट यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा वन माइनस वन ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई वन टी सेवन डिवाइड वन माइनस e की माइनस जीरो पॉइंट और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वन पॉइंट वन फाइव वन पॉइंट वन फाइव इन टू वन माइनस की माइनस ये आ जाएगा आपका वन पॉइंट एट फोर वन पॉइंट एट फोर अब हमें पता है ई e की एक्स की एक्सपेंशन या आप ई e की माइनस एक्स की भी एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं बट ई e की एक्सपेंशन ई e की एक्स की एक्सपेंशन यूजुअली याद रहती है तो वन प्लस ये रहेगा x प्लस एक्स स्क्र बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो सो इफ वी पुट दिस इफ वी राइट इट एज वन ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई वन माइनस वन डिवाइड बाई e की पावर वन पॉइंट वन फाइव एंड हेयर वी राइट वन माइनस वन डिवाइड बाई e की पावर वन पॉइंट एट फोर इफ वी नाउ सोल दिस

जूम और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ऐसे यहाँ पर यदि आप सोल्व करते हैं वन डिवाइड बाई वन प्लस वन पॉइंट वन फाइव प्लस वन पॉइंट वन फाइव होल्स केयर डिवाइड बाई टू इसके सोल्व करने से आपको आंसर मिलेगा वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट थ्री मिलीग्राम पर लीटर अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली तो आप ये इसको इस पॉइंट से कर सकते थे इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को बताने का पॉइंट ये था कि यदि आगे यदि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको इस मेथड से कर सकते हैं आई होप ये आपको समझ में आया होगा मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन जिसमें कुछ ना कुछ डाउट था अदरवाइज ऑल अदर क्वेश्चन कैन बी इजिली सोल्व बाकी सारे क्वेश्चन हम इजिली सोल्व कर सकते थे आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप वो कमेंट कर सकते हैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन डैट पर्टिकुलर कमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव हैवे नाइस डे